हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा। मां सोनिया को देखकर दिल्ली से लौटे राहुल गांधी। 2 घंटे की देरी से यात्रा शुरू, पानीपत में 13 किलोमीटर चलेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार यात्रा में 2.5 घंटे की देरी हुई। यात्रा 6 बजे शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी समय पर दिल्ली से नहीं आ सके। 8:30 पर राहुल गांधी ने पानीपत जिले में एंट्री की और अब यात्रा कुराड़ गांव से शुरू हो गई है। यहां के बाद राहुल की पैदल यात्रा सनोली रोड बबेल नाका से होते हुए संजय चौक तक पहुंचेगी। वह 13 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इससे पहले यात्रा ने देर शाम यूपी बॉर्डर से हरियाणा के पानीपत जिले में प्रवेश किया। पानीपत के सनोली खुर्द गाँव के खेतों में बने टेंट हाउस में यात्रा रात भर ठहरी। हालांकि राहुल गांधी दिल्ली लौट गए। मां सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से वह सनोली खुर्द में रात को नहीं रुके। राहुल की पैदल यात्रा निम्बरी, उग्राखेड़ी, मार्बल मार्केट, बबेल नाका, शिव चौक, भीम घोड़ा मंदिर चौक और फिर संजय चौक पहुंचेगी। यह सभी एक ही रूट सनोली रोड पर है। इस दौरान रास्ते में 6 जगहों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहां उनका चलते चलते स्वागत होंगे। बताया जा रहा है कि इस 13 किलोमीटर के रास्ते को करीब 5 घंटे में पूरा किया जाएगा। 11 बजे यात्रा संजय चौक पहुंचेगी। संजय चौक पहुंचने के बाद स्पेशल गाड़ियों से जीटी रोड से होते हुए अनाज मंडी तक राहुल गांधी को अनाज मंडी तक ले जाया जाएगा, जहां उनका टी ब्रेक होगा। यहां चाय नाश्ता करने के दौरान उनका करीब 2 घंटे का ठहराव होगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।